24 News, जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड से दोपहिया वाहनों को चोरी कर कम कीमत में बेचने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से तीन राज्यों के नंबर प्लेट लगी 13 मोटरसाइकिल और दो तमंचे बरामद किए गए। बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये अलीगढ़ का रहने वाला रोहन और बुलंदशहर का रहने वाला शकील, जिन पर अंतर्राज्यीय स्तर पर वाहन चोरी करने का आरोप है। बुलंदशहर के एसएसपी की माने तो रोहन शातिर वाहन चोर है और गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दोपहिया वाहनों की चोरी करते और चोरी कर वाहनों को बुलंदशहर लाकर उन्हें कम कीमतों पर बेचने का गोरखधंधा करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 13 दोपहिया वाहन और दो तमंचे बरामद किए हैं। पुलिस अब इनके गैंग के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। रोहन नाम है मेरा, मैंने बाइक उठाई थी आज से 3 साल पहले, मैंने मिस्त्री को दी थी और मैं अब काम मेरा बंद है। अब फिलहाल में मेरा इस 2-3 साल के अंदर कोई जुर्म नहीं हुआ है। सर मैंने सिर्फ अलीगढ़ से ही गाड़ी चलाई थी, बाकी मैंने अपने जिले से उठाई थी, बाकी मैंने कहीं से गाड़ी नहीं। सर मैंने 2-4 मतलब 10 कैसे पकड़ा पुलिस ने तुम्हारा? जी सर मुझे ये दुकानदार ने पकड़वा के लाया था अलीगढ़ से। मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था 3 साल से, मैं एकदम सुधर गया हूँ। मैं अपनी वैन चलाता हूँ, ड्राइवर हूँ वैसे पैसे से। देखिए थाना अनूप साहब की पुलिस के द्वारा एक बड़ी अच्छी रिकवरी की गई है। एक बहुत ही शातिर अंतर जनपदीय गैंग को गिरफ्तार किया गया है, जिसके दो सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। एक रोहन जो जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, जिसके पूर्व में 6 मुकदमे दर्ज रहे हैं इस तरह के। दूसरा अभियुक्त शकील है जो अनूप शहर थाना क्षेत्र का है, लेकिन पूर्व में कभी पकड़ा नहीं गया था, इस वजह से इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये मिस्त्री का काम करता है। ये दोनों इसके साथ कुछ अन्य लोग भी इनके गिरोह में सम्मिलित हैं, जो जगह जगह से मोटरसाइकिलें चुराते हैं फिर उनका डिस्पोजल करते हैं। इसमें उल्लेखनीय है कि कुल 13 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें 12 स्प्लेंडर है, 1 बजाज की मोटरसाइकिल है। इस तरह 13 मोटरसाइकिलों में से अब तक 2 मोटरसाइकिलों की कनेक्टिविटी हो चुकी है। एक कोतवाली देहात से चोरी हुई थी, दूसरी उत्तराखंड से चोरी की है। इस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी का प्रयास करके दबिश दी जा रही है तथा शीघ्र ही और भी रिकवरी होने की संभावना। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।